तो इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला, इसमें कंफ्यूजन क्या है, यहाँ डीएम यानी डेसी मीटर दिया है, एक डैम होता है डेका मीटर, DAM, वो अलग चीज़ होती है वो, ठीक है। 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं, और यहाँ डेसी मीटर है, ये 1 डेसी मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन मामला यहाँ आगे दिख गया मीटर का, ठीक है। तो 1 मीटर में 10 डेसी मीटर होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, ये देखो लिखा भी है, 1 मीटर में 10 डेसी मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 डेसी मीटर में इसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको मामला अभी फोकस इस पर करना है, ठीक है। ये डेसी मीटर में दिया है, ये मीटर में, तो छोटी यूनिट जो होती है उसमें कन्वर्ट कर लिया, ये डेसी मीटर में है, मीटर बड़ा है, डेसी मीटर छोटा है, तो मीटर को डेसी मीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 10 डेसी मीटर होते हैं, इससे याद रखिए, तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी डेसी मीटर में हो जाएगा, ये भी डीएम, ये भी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना। तो रेडियस हमारे ये 12, और सिलेंडर की बात हो रही है, देखिए क्वेश्चन में है ना, फाइंड द वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको हम पहले डेसी मीटर में चेंज कर लें, तो आपको पता है जब मीटर से डेसी मीटर में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर ये डेसी मीटर में हो जाता है, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके आगे जीरो लगा दो, ठीक। तो हाइट आपकी ये आ गई और रेडियस आपकी ये हो गई, ठीक। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 12, ठीक, 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 170, 22/7, 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 × 170, 7 × 2 = 14, 13 नहीं, 7 से नहीं जाएगा। अब आपके पास क्या तरीका है कि भाई 7 से कुछ कट नहीं रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 22 को 12 से करिए, जो है उसको 12 से करिए, जो है उसको 170 से करिए, ठीक है। सब इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर 7 जो आंसर है उसको 7 से डिवाइड करिए, कॉमेंट में आंसर बताइए, ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करिएगा, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको जो आंसर आएगा उससे करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे करेंगे, ठीक। फिर जो आंसर आएगा आपका 7 से डिवाइड करने के बाद, उसमें आप क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं और डेसी मीटर लगा है, तो यूनिट में आप डेसी मीटर क्यूब लगा दिएगा, ठीक है, ओके, यस। फिर इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, इसका हो जाएगा 2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, इंटू हाइट की वैल्यू आपको 170 दी है, फिर आप यही करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें डेसी मीटर की पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब एरिया लगता है तो स्क्वायर लगता है, ठीक है। उसके बाद टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, फिर आप क्या करेंगे, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना, तो 2 × π की वैल्यू होती है 22/7, इन सब के बीच मल्टीप्लाई छुपा होता है, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 12, फिर आर की वैल्यू 12 है, हाइट की वैल्यू 17 है, 7 × 2 = 29, 12 × 2 = 4, ठीक है, 17। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई खोल लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एरिया है तो आंसर में क्या लगेगा, सेंटीमीटर, सॉरी डेसी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूरा करके बताइए आंसर क्या आ रहा है सबका, पूरा इतना कॉपी में सॉल्व करिए, देख के जो जो आया यहाँ सॉल्व करिए, ठीक है।